ये थॉमसन का टेम्परेचर है -7 -14 थॉमसन। जहाँ हमने जाना है वो लैका है गिल्लम। तो गिल्लम भाई साहब बोलते कि -13 -20 और पूरा दिन ये देखो नीचे स्नो की पट्टी आ रही है, स्नो पड़ेगी वहाँ पे। और आज रात को टेम्परेचर हो जाएगा वहाँ पे -15 फील लाइक -26। परसों +1 है। अभी परसों के टेम्परेचर से अपने को क्या मतलब है? अपने को तो मतलब है भाई आज के टेम्परेचर से रात सारी स्नो नहीं पड़ी। अब सुबह का टाइम हो गया ना 6 बजने वाले, अभी स्नो चालू होगी बाहर। ये जो आगे वाला रोड है ना ये मेरा थोड़ा सा खून कम कर रहा है, लेकिन बाबा जी का नाम लेके चलेंगे। बस टेम मॉडर्न खुलने वाला है, वहाँ पे फ्रेश होंगे, चाय उठाएंगे, नाश्ता उठाएंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से लेके ऊपर वाले का नाम। थैंक यू। ये इकलौता ही टेम मॉडर्न है पूरे थॉमसन एरिया में। मैंने यहाँ से चाय उठाई है, अंदर अपने ही बंदे लगे हुए हैं इंडिया के। मेरे को बोलते हैं कि वॉशरूम की चाबी हम तभी देंगे जब आप इन लोगों को चाबी मत देना, कुछ थोड़े से ख़राब बंदे भी होते हैं आपको मालूम है। यूज़ करो, सीधा वापस ले गया। मेरे पीछे आप जो बंदे देख रहे हो वही बंदों की बात कर रहा हूँ। यही लास्ट स्टॉप होती है बंदे के पास में। आगे अपने पास ना तो कोई स्टॉप है और ना ही कोई वॉशरूम मिलेगा, तो अच्छा हो गया वॉशरूम भी यूज़ कर लिया। लेकिन उन्होंने लॉक लगा के रखा हुआ है वॉशरूम को। ये जो बंदे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं अभी देखो टेम मॉडर्न के बाहर खड़े ना, इनको चाबी नहीं देते क्योंकि इनमें से कुछ लोग ड्रगी हैं तो अंदर जाके बैठ जाते हैं, एक एक घंटा बाहर नहीं निकलते। ट्रक को एक बार बंद करके चला के मेन स्विच कट करके ट्राई कर लेते हैं, शायद वो लाइटें चली जाएं ऊपर वाली। एक ट्राई है, देखते क्या बनता है। अभी तो सारे साफ हो गए, आगे का फिर मालूम नहीं है। नो ट्रैक्टर ट्रेलर पार्किंग। थैंक यू, आपने हमको रात को यहाँ सोने दिया। 7 बजने वाले और दिन का कोई नामो निशान नहीं है। मैंने रात को क्या बोला था, टिम मोटर के ऊपर डिलीवरी करने कौन आया? ट्रक ही आया। ट्रक वालों के बगैर भाई गुजारा है नहीं किसी का वैसे, लेकिन मानने के लिए तैयार कोई नहीं। एंट्रेंस से जहाँ टीम ऑर्डर का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से अंदर आके यहाँ से हम वापस लेफ्ट जा सकते हैं। ये वाला एग्जिट लेफ्ट मारता है, वहां से एग्जिट जो पीछे वाला एग्जिट है उससे हम लेफ्ट नहीं जा सकते। बाबा जी सर्दी गला में रखना, यहाँ से लेफ्ट तो बहुत बंदे मारते हैं वापस मिनी पैक को, लेकिन यहाँ से राइट कोई कोई बंदा मारता है। और अपने को आज ऊपर वाले ने मौका दिया है यहाँ से फिर राइट मारने का। ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, विंटर सर्वाइवल इक्विपमेंट इज रिकमेंडेड वार्निंग है। ये 280 नंबर हाईवे, यहाँ से अपने को राइट लेनी है। यहाँ से पक्का रोड खत्म हो गया और कच्चा रोड चालू हो गया। वाहेगुरु बाबा जी। रोड तो काफी चौड़ा है और है सारा ग्रेवल, स्नो से कवर है। ये यहाँ पे राइट मारते ना एक रेस्ट एरिया सा आता है, अगर किसी को रात को यहाँ पे सोना सना हो और यहाँ पे आके भी सो सकता है आराम से। ये है मैनिटोबा हाईवे 280, थॉमसन से 10 किलोमीटर आगे जाके राइट टर्न लेके। बस अभी यहाँ से नेटवर्क भी गया और यहाँ से सिर्फ ऊपर वाले से बातें होगी अपनी, और बाबा जी का नाम लेते जाएंगे और चढ़ते जाएंगे बाबा जी चढ़ती कला। एक बार पीछे का माहौल देखो थोड़ा, वो टैक्सी वाला ओए वाह, देखो भाई टैक्सी वालों का दिल देखो। किसी को छोड़ के आया या किसी को लेके आया कोई तो मसला है, लेकिन भाई मान गए उस्ताद, तेरे को मान गए उस्ताद। सारा कुछ ठीक जा रहा है बाबा जी कृपा से। मैंने पी ली कॉफी, तो आपको मालूम होगा जो लोग टी मॉर्निंग कॉफी पीते हैं तो कॉफी पीने के बाद में भाई एक आध घंटे में वॉशरूम बड़ा तेज आता है। अभी दिल डर रहा है कि भाई नीचे उतना सेफ नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा इलाका नहीं है, ये इंसानों का एरिया नहीं है, ये जंगल है, तो ये है जानवरों का घर। थोड़ा सा दिन और निकलता है ना थोड़ी सी हिम्मत करके, तो बस एक बार वॉशरूम कर लेता हूँ। ऐसे रोडों के ऊपर ना जब आगे से कोई लाइट दिखती है ना भाई इतना मजा आता है ना, एक एनर्जी मिलती है पॉजिटिव वाली की शुक्र है कि आगे से कोई बंदा आ रहा है। अभी अपना फर्ज बनता है कि स्लो करके आराम से उसके पास में से गुजर जाने का, लेकिन मैंने अपनी स्पीड तकरीबन 80 के पास में लेके आया हूँ
ताकि जो इसको ज्यादा प्रॉब्लम ना, क्योंकि ये इतनी स्लो नहीं उठाएगा, ये कार वाला है, और इसके टायरों के निशान आपको बता रहे हैं देखो कि यहाँ से कोई गुजर के गया। नीचे पूरा शीशा ही बना हुआ है। ये पीछे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है स्प्लिट लेक का, ये स्प्लिट लेक है। यहाँ पे हम पिछली बार आए थे, यहाँ से हमने राइड लिया था, बाद में छोटी फेरी पकड़ी थी गर्मियों में और चले गए थे आगे। लेकिन अभी इससे आगे अपने को तकरीबन 150-160 किलोमीटर जाना है, और जैसे ही मैंने इस टाउन को क्रॉस किया ना, एक किलोमीटर पीछे रह गया, रोड और भी देखना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ से जो कारें हैं ना वो जाती हैं थॉमसन को, तो आसपास भी देखना पड़ेगा कहीं दोस्त ना फिरता हो अपना यहाँ पे। तो यहाँ से ना थॉमसन तक जाते हैं, यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटा लगता है थॉमसन तक का। इसके आगे मैंने जैसे ही मैंने इसको क्रॉस किया, तो आगे देखो मेरे टायरों के आपको निशान देख रहे हैं, लेकिन इसके आगे कोई टामा टामा बंदा यहाँ से निकला आ गया। ये देखो ये इसकी लाइन है, अगर मैं इसके ऊपर अपना पैर मारूंगा ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि इतनी स्नो है इसके ऊपर। इसके बाद अपना रास्ता ये होगा। ये मैंने नोटिस नहीं किया यार, ये रात को कोई तोड़ के गया। ये तो ऐसे पड़ा हुआ था, इतना शुक्र है कि नीचे नहीं गिरा, खड्डों में लग लग के अपने आप ही ये नीचे गिर गया। ओहो ये मैंने नोटिस नहीं किया, ये देखो ये गिरा ही पड़ा हुआ है ऐसे, और इतना शुक्र है भी ये गिरा नहीं। अभी इसको उतार के रख लेते हैं, मेरे ख्याल में ऐसे तो ये फिट नहीं होगा किसी ने ना। अभी मैं वीडियो चेक करूंगा वहां पे, तो जहाँ फिर अभी रास्ते में जब खड्डे आते हैं तो खड्डों में लग के कहीं ये नीचे गिरा है, जहाँ फिर किसी ने टीम मोटर के ऊपर जब हम सोए थे तो खींच के तोड़ा है ये। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हमारे साथ चलती है यार। कितने खुश थे, लेकिन ये नुकसान अपने हिस्से लिखा हुआ था भाई। जब भी ऐसा कोई काम करते हैं ना, कभी कभी अपना ध्यान नहीं जाता, ऊपर से ये स्नो, ऊपर से ये रोड। इसी भी एक बार ट्रेलर का हाल जान लेते हैं, ये देखो क्या बन गया ट्रेलर। ओहो ये मैं हाथ में लेके घूम रहा हूँ, एक ही ब्रेक ली, यहाँ पे वॉशरूम भी कर लेंगे, फिर निकलेंगे सीधा आगे। ओह अभी ये वाला रोड जो है ना बड़ा खतरनाक हो गया भाई, आगे से कोई स्नो साफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो भाई मेरे को मालूम नहीं कि शोल्डर कितनी दूर है और क्या हिसाब किताब है। लेकिन कार आ रही है तो कार से अपने को दिक्कत नहीं होगी, और कार के निशान देखो पैरों के, मालूम पड़ता है ना कि कार निकल गई है, इतनी इतनी स्नो है यहाँ पे। बेल्ट लगाओ चाहे ना लगाओ, यहाँ पे कोई पुलिस वाला आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पे कौन आ रहा है, वही आएगा जिसको जरूरत है। वही यूकॉन वाला रोड हो गया, देखो 80-90 से ऊपर नहीं जा रहा, जहाँ तो मैं भी पहली बार रहा हूँ, लेकिन वो देखो यूकॉन वाली झाड़ियाँ आपको साथ में दिखाई दे रही है। टाइम हो गया 9:15 और अभी तक प्रॉपर दिन नहीं दिखाई दे रहा बाहर। आपको थोड़ी सी स्टोरी समझा देता हूँ कि मैंने अभी अपनी वीडियो, ओहो कबूतर होए, ओहो कबूतर होए, मैंने अपनी थोड़ी सी उसकी वीडियो निकाल के देखी, ये फुटेज देखो, जब मैं चाय लेके बाहर निकला ट्रक में आके बैठा, मैंने कैमरा बाहर को किया, दोनों मिरर अपनी जगह पे टिके हुए थे। टिम मोटर के अंदर जाने से पहले मेरी आदत है, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने फोटो खींची सुबह ऐसे ट्रक की फोटो खींच ली, इसमें भी दोनों मिरर अपनी जगह पे है। तो ये वाला मिरर अगर आपको दिखाई दे रहा है अगर इस टाइम के ऊपर, तो ये भी देखो कैसे हिल रहा है। अभी मेरे को इसकी भी टेंशन होगी कि ये भी गिरेगा, ट्रैफिक तो है नहीं, थॉमसन से निकले लगने का चांस तो किसी के साथ में सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बाबा जी की कृपा है यहाँ पे तो ट्रैफिक ही नहीं है। बस चांद जगह मेरा ध्यान पड़ गया, नहीं तो ये मिरर रास्ते में कहीं गिरना था कि हमारे हाथ में आ गया। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि हर ट्रिप में ना मेरे नाम पे कुछ ना कुछ लिखा ही हुआ है ऊपर वाले ने, लेकिन एक चीज का मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने छोटे छोटे कामों में मेरे को निपटा रहा है वो। बस जब टीम मोटर के जब मैं अंदर गया तो किसी ने शरारत कर दी होगी, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग खड़े थे, लेकिन नहीं, ऐसे किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है। मैंने बाद में वीडियो चेक किया है, और हाँ उसके बाद में भी फुटेज है जब हम राइड ले रहे थे, आगे से गाड़ी आई तब भी मिरर था, अपने आप टूट के नीचे गिर गया। अगर इस रास्ते के ऊपर आके आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो टोकला पता कहाँ से आएगा थॉमसन से, तो पैसा पता कितना चार्ज करेगा, मुंह मांगा ऊपर वाले से बातें करते हुए जाओ जिसको भी आप मानते हो, क्योंकि ये रोड जो होते हैं ना, अभी आपने पीछे ट्रेलर के ऊपर जो स्नो का लेवल देखा कितना है, अभी आगे अपने को लोड अनहुक भी करना है और उसको लोड भी करना है, वहां से ही लोडिंग है अपनी।
ये गिलम का बोर्ड आया 150 किलोमीटर। सर्दियों में ब्रिज के ऊपर जब आप किसी भी ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करते हो, चाहे वो ऊंचा चाहे वो नीचा है, मेरा एक ही उसूल है, जैसे ब्रिज के ऊपर जाते हो एक्सीलेटर से पैर उठा लो, फिर बाद में एक्सीलेटर दे दो। हमेशा ब्रिज के नीचे ना वो जमीन नहीं होती, सबसे ज्यादा पहले स्लिपरी ब्रिज होते, तो ब्रिज के ऊपर कई बार कर्बे होती है, एक्सीलेटर देने की जरूरत ही नहीं है। अभी आगे से पीछे से कोई नहीं आ रहा, एक ही फंडा रखो कि बस सेंटर में चलना है। यही सोच के चलो कि जब आप चल रहे हो आप ही राजे हो, आपका ही पूरा रोड है, आगे से कोई बंदा आ रहा है उसके साथ में अंडरस्टैंडिंग बनाओ, थोड़ा रास्ता दो, फिर सेंटर में चलो। ये छोटे छोटे कबूतर बहुत है, कबूतर है मालूम नहीं क्या चीज है। You are good? Okay, thank you. भाई रास्ते में बंदा निकला इस तरफ से टिच से और मैं डर गया, अभी टायर घूमने शुरू हो गए, अभी नीचे ग्रिप है नहीं, रास्ते में कोई फ्लैशर फ्लूशर नहीं लगाया, कोई लाइट नहीं लगाई, और बड़ी मुश्किल से मैंने ट्रक को रोका पहले। ये ऐसा रोड है अगर आपने ऐसी चढ़ाई के ऊपर ट्रक रोक लिया उठेगा नहीं बाद में, ये आपको पीछे ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर इसके जो स्नो है पाउडर वाली वो तो आपको थोड़ी ग्रिप दे रही है, लेकिन ग्रिप के नीचे तो नीचे पूरा शीशा ही है इसके जो जमी हुई है, फिर उसके ऊपर आपका टायर काम नहीं करेगा, फिर उसके ऊपर तो चेन ही डालनी पड़ेगी टायर को। तो ये मालूम नहीं बंदा क्या कर रहा है बीच बीच में घुस के, है तो लोकल एरिया का बंदा लग रहा है, ये इसके टायरों के निशान लगे हुए ऐसा ऐसा घूम घूम के, क्या कर रहा है I don't know। जब कभी भी गिलम आ रहे हो आपको गूगल मैप ना 190 किलोमीटर थॉमसन वाले टीम ऑर्डर के बाद में राइट मरवाएगा, आपको बोलेगा यहाँ से राइट करो, वो रोड के बाहर ना रोड क्लोज लगा हुआ है वैसे भी, लेकिन आपको कभी भी रोड खुला भी हो तो भी आपको उधर के उधर से नहीं जाना है, आपको सीधा जाना है। ये रोड है 280, ये ऊपर से घूम के गिलम आएगा, तो 25-30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफ़र है। अभी तो उन्होंने रोड क्लोज का बोर्ड लगाया हुआ था बाहर, मेरे को मालूम है हमारी कंपनी के लोड आते रहते और गूगल मैप जो है वो ये शो नहीं करता। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मेरे को मालूम है आप क्या सोच रहे हो कि ये बंदा कर क्या रहा है, यहाँ पे दिखाई कुछ नहीं दे रहा और साथ में ड्रोन उड़ा रहा है, ट्रैफिक नहीं आ रही ना उसका बड़ा बेनिफिट हो रहा है। बाकी ये जो दो लाइनें दिख रही है ना, ये दो लाइनों के ऊपर मैं भी ट्रक चला रहा हूँ, कितनी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है बंदे की, सिर्फ ट्रक नीले रंग का दिखता है बाकी सारा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया भाई सिस्टम, और जहाँ पे रोक देते हैं ट्रक उठता नहीं है, बाद में स्नो बंद नहीं हुई, स्प्लिट लेक के बाद में स्नो बंद नहीं हुई। अज गबरू ने धूड़ कटी पई है, सामने आपको हिल दिखाई दे रही है, कितनी ज्यादा चढ़ाई है उसके ऊपर, और वापसी के ऊपर ये वाली अपने को चढ़ाई पड़ने वाली है। मैं दो चीजें आपको समझाता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे को ज्यादा तो मालूम नहीं है, बहुत कम वजन खतरनाक है सर्दियों में, बहुत ज्यादा वजन भी अच्छा नहीं है सर्दियों में, खास करके पहाड़ी इलाकों में। अगर आपके पास में पूरा वजन है, आप जब चढ़ाई के ऊपर ऐसे जाते हो पूरा वजन पीछे आ जाता है ट्रेलर का, सारे ट्रक का ट्रेलर का पीछे चला जाता है, टायर घूमने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर हम यूकॉन में जाएंगे तो सेम लाइक दिस, वो वाले रोड के ऊपर जो जंगल में हम गलत घुस गए थे, मैनिटोबा हाईवे 280, ये देखो कैसे घूम के भी वो ऊपर चढ़ाई पे चढ़ेगा। अगर भाई आपको लग रहा है थोड़ा सा भी कि ये कंटेंट जो है आपके मतलब का है या ये बंदा जो मैं बातें कर रहा हूँ आपको अच्छी लगती है, तो भाई अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताँ जो अपना जो रोड टू मिलियन है वो जल्दी हो जाए। बाकी ऊपर वाले के हाथ में कहना मेरा फर्ज है, करना नहीं करना वो आपके हाथ में बॉस।
जहाँ से ना दो रास्ते निकल जाते हैं। ये ट्रक वाला मैं मेरे को बोलता है 700 मीटर से राइट मार लो, और एक टिक्के वाला ऑलरेडी रास्ते में बीचों बीच खड़ा है, और ये मेरी वेट कर रहा है या क्या फंडा है इसका, आई डोंट नो। कोई इशारा तो नहीं मारा इसने। ये मैनिटोबा सिटी वाला बंदा है, वो होते ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले, वो वाले। ये स्टॉप साइन आया, इससे पहले एक स्टॉप साइन आया वो थी रेलवे क्रॉसिंग, ये दूसरा स्टॉप साइन आया थॉमसन वाले टिम मॉर्टन से 273 किलोमीटर आने के बाद में आपको टी जंक्शन बनता है। ये उससे पहले किसी तरफ नहीं जाना लेफ्ट ना राइट, गिल्लम जाने के लिए। और यहाँ से अगर हम लेफ्ट करेंगे तो फॉक्स लेके जाता है, और राइट करेंगे 32 किलोमीटर गिल्लम है। वो कार वाला जो ना वो रिवर्स करके मेरे पीछे ही आ गया सर, आपको दिखाई नहीं देगा। सरफेस ब्रेक्स नेक्स्ट 30 किलोमीटर लूज ग्रेवल, पहले कौन सा रोड बना हुआ था जो भी ये बोर्ड लगाने की जरूरत पड़ेगी इनको कितनी दूर नॉर्थ में आके कोई डैम बना हुआ है डैम। वाह, ये सारा पानी है मेरे राइट साइड में जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, लेफ्ट साइड को नीचे पानी है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि हालात यहाँ पे ठीक नहीं है भाई। ये देखो पानी के ऊपर से निकल रहे हैं, और मजे की बात पता क्या है, ये डैम चालू है। अगर आपको दिखाई दे रहा है पानी बह रहा है भाई बहुत तेज स्पीड से, और ये जो टीने लगी हुई है टीनों के उस पार पानी नीचे जा रहा है। ये राइट साइड में मेरे पानी है जो आपको स्पेस में दिखाई दे रहा है ना, ये सारा पानी है अपने लेवल तक का पानी है, और उसके बाद नीचे तकरीबन 30-40 फुट नीचे गिर रहा है पानी। अभी टाउन में तो पहुंच गए, अभी मेरे को ये मालूम नहीं कि आगे जाना कहां पे। यहां पे नेटवर्क आता है गिल्लम में, नेटवर्क आ गया, शुक्र है ओए गिल्लम पहुंच गए, सूरज देवता जी के दर्शन हो गए भाई। सूरज सूरज ही होता है, इसी तो सूरज बोलते हैं इनको, सारी दुनिया दिखने लग जाती है जब ये निकलाते हैं। वाह क्या नजारा लग रहा है, कभी दरख्तों के पीछे छिपते कभी बाहर आते, आ जाओ कोई चक्कर नहीं है। मैंने नहीं सोचा था इतनी दूर यहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है बाय रोड, ऐसे वाले पार्ट में ऐसे वाले घर वगैरह होंगे भाई। ये क्या सिस्टम है भाई, वाह और लैटे मार रहा हूँ भाई, मेरे को बताओ कोई बंदा कहाँ पे है इनका कोई सिस्टम सिस्टम। ये देखो भाई ये बिल्डिंग देखो, गिल्लम अपार्टमेंट्स, ये अपार्टमेंट है, उसको मैंने लैटे लूटे मारी है, वो वही है हाइड्रो हुड्रो वाले। ये तो भाई घर आ गए गिल्लम वालों के, और गाड़ियां देखो सारियां गाड़ियां आपके सामने जो घूमेंगी सारियां एसयूवी तगड़ी वाली गाड़ियां तगड़ी वाली, और सब गाड़ियां मोस्टली मैनिटोबा हाइड्रो की भी लगी हुई है। ये देखो ये भी गाड़ी जो है ना सोच लगी हुई, ये भी मैनिटोबा हाइड्रो की, और ये भी एसयूवी, वो भी एसयूवी, वो भी एसयूवी, वो पिक्का खड़ा रैम का एसयूवी। ओ स्कूल आ गया, वाह तगड़ा टाउन है भाई, छोटा टाउन नहीं है। ये देखो ये गिल्लम का स्कूल है, अच्छा बड़ा टाउन है भाई, यहाँ पे एयरपोर्ट भी है तो फ्लाइटें भी आती होगी, और स्नो काफी पड़ी है यहाँ। ये गिल्लम का हॉस्पिटल है, अभी मालूम ही नहीं पड़ रहा आगे जाना कहाँ पे, टाउन में कोई जगह तो दिखाई दे नहीं रही, किसका माल है या क्या हिसाब किताब है भाई। कैटल रैपिड्स जनरेटिंग स्टेशन, अच्छा बंदा था सारा बता के गया वापस जाना पड़ेगा मेरे को लगता है, ये तो टाउन है। वो वाली अपार्टमेंट देख रहे थे ना हमने, तो इधर से हम गए पहले, अभी वापस जा रहे हैं फिर से जितनी भी लोकेशन मैंने डाली सारी टाउन के अंदर ही लेके आ रही है, और मेरे को मेंशन नहीं किया पहले किसी ने। अभी मैंने वो भाई को कॉल किया जो पहले पिछले हफ्ते खाली करके गया, वो बोलता नहीं वहां से सीधा जाना था 5-7 किलोमीटर आगे आ गया, इसी बहाने गिल्लम टाउन देख लिया, नहीं तो टाउन में तो अपना आना बनता ही नहीं था। ओके थैंक यू वेरी मच सर, यू आर द सेम गाय, थैंक यू। जिस बंदे को मैं वहां पे पूछ के आया था ना, वो बंदा अपनी लड़की को, उसकी बेटी थी साथ में, उसकी बेटी को उतार के स्पेशल मेरे को बताने के लिए आया यहाँ पे कि ये वाला टर्न है 5 किलोमीटर। तो ऐसे बंदे भी होते हैं ऐसे टर्नों में, सारे बंदे बुरे नहीं होते, हेल्पफुल बंदे होते हैं। बोलता कि काफी बड़ी डाउन आएगी और डाउन के नीचे ही गेट लगा हुआ, तो बी केयरफुल। मैनिटोबा हाइड्रो के दो बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं गिल्लम में, एक टाउन एक दो डैम हम निकल के आए और एक डैम यहाँ पे लगा हुआ है, हाँ वो है।
वार्निंग ट्रैक्टर ट्रेलर बैक इन ओनली नो टर्न अराउंड। शुगर है भाई, शुगर है, शुगर है, शुगर है। उसको भाई खड़े होकर पूछ ही लेते, मेरे को तो डाउन हिल लग रही है, आगे पानी है। लिखा हुआ ट्रेलर ओनली बैक इन। आई एम एट द डाउन हिल सो कैन आई कम स्ट्रेट टू द डाउन? क्या बोलते हैं ये लोग, बोलते हैं कि रिवर्सी नीचे जाना पड़ेगा, रिवर्सी। और ये भाई घूम रहा है नीचे, इसलिए लिखा हुआ था ट्रेलर बैक इन ओनली, नीचे जगह नहीं है। फिर तू ही बैग लेके ट्राले थले, जैसे उसने बोला कि रिवर्स लेके जाओ और मैं पीछे रिवर्स करके नीचे जाना शुरू कर देता, वहां पे लफड़ा हो जाता, बाद में मालूम पड़ना था कि भाई तुम तो नीचे जा ही नहीं सकता। ये रोड है भाई, यहाँ से हमको बैग लेके आना है, वो वाली टर्न बड़ी मुश्किल होगी मेरे लिए, क्योंकि ये तो सीधा ही है, इतना मसला नहीं बनेगा, लेकिन वो टर्न जो है ना वो यू टर्न मार के आना पड़ेगा रॉन्ग साइड। ड्राइवर साइड हो तो अलग बात है, ये वाली टर्न जब आप देखोगे ना, ये देखो ये वाली टर्न, ऐसे घुमा के राउंड वहां से लेके आना है ऊपर से। नहीं माने भाई, बथेरा मैंने कोशिश की इनको बताने की कि भाई नीचे बड़ा रिस्क हो जाएगा, लेकिन बोलते कि डिलीवरी तो ऐसे ही करनी पड़ेगी, नीचे जाना पड़ेगा रिवर्स लेके, नीचे यू टर्न है नहीं, तो मेरी बैकिंग चेक होगी उल्टी साइड में। इसको मैंने बोला कि तू मेरे पीछे पीछे आ, अगर मैं कहीं पे गलत हो गया तो मेरे को उसी टाइम हॉर्न मार देना कि भाई तू गलत जा रहा है। मैं उसको अपना मोबाइल दे के आया हूँ, मैंने बोला भाई रिकॉर्ड ही कर दे, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल है ये, आपको अभी बाहर दिखाई दे रहा होगा कि कैसा माहौल है बाहर। हो सकता है शायद एक आध मेरे को टर्न भी लेनी पड़ जाए, क्योंकि अभी यू टर्न ज्यादा हो गया। क्या क्या लिखा होता है ड्राइवर की जिंदगी में, देखो सामने से यू टर्न मार के रॉन्ग साइड है ना, अगर ड्राइवर साइड होता तो बड़ी आसानी होती, बंदा बाहर मुंडी निकाल के देख लेता है। अभी यहाँ पे कहाँ मुंडी निकालूं, यही एक टर्न मुश्किल है, जब टर्न हो गया एक बार तो फिर सही हो जाएगा। वो आगे देखो कहाँ से यू टर्न मार के आ रहे हैं, ओ यस सीधा हो गया भाई रोड, अभी अभी कोई टेंशन नहीं है। Lady helping me from Gillam, all the way from Gillam. This is very first time I'm here, and this is very good experience actually. Because this U-turn, This was good. Yeah. Thank you very much for helping. भाई अभी तो road सीधा हो गया, ये देखो वो नीचे dam है, और ये देखो अभी तो सीधा सीधा जाना है, अभी इतनी tension नहीं है। आगे टर्न भाई, ये भी बड़ी हेल्प हो जाती है। थैंक यू। ट्रक का हाल क्या बना हुआ है, क्विंटल सुनो तो यही पड़ी हुई है, उसको भी उतारना पड़ेगा, वायरें निकालनी पड़ेगी नीचे से। वैसे स्नो पड़ी होती ना तो ये वाली तारों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ये फ्री होनी चाहिए, बाकी स्नो को संभालेंगे। ये कोई जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पे बत्ती बनती है लाइट, और ये देखो लिखा हुआ, और ये नीचे पानी। लिखा हुआ है डी वाटर है, स्लिपरी रॉक्स है, तो यहाँ पे ध्यान से, ये वाला जो प्लास्टिक का कवर है ये भी गिरेगा मेरे को लगता है, कहीं इसकी भी बंजियाँ बुंदियाँ खुल गई लगता है। चलो ऐसे ही चलते हैं, पहले पिकअप करते हैं, पिकअप के लिए 2-3 घंटे लग जाएंगे, टार पर लोड है, लेकिन है ऐसी टाउन में। पहले बोलते थे पहले पिकअप थी गिलम में, अभी पिकअप है दूसरे मैनिटोबा हाइड्रो से, कहीं थोड़ा सा सूरज निकला और मौसम फिर से खराब हो गया। पिकअप और डिलीवरी ये दोनों चीज़ जब ड्राइवर की हो जाती ना, उसके बाद में ड्राइवर को कोई टेंशन नहीं होती, तब तक ड्राइवर को थोड़ा सा फील होता रहता है कि भाई अभी बहुत काम बाकी है, अभी बहुत काम बाकी है। अगर ऐसी ऐसी लोकेशन देखनी तो जूस पीने पड़ेंगे ताकत वाले। 4 बजे तक भी अपनी पिकअप हो जाए ना, डन हो जाए, वहां से मैं निकल आऊं तो अपने को 1.5-2 घंटे का रास्ता ज़्यादा मुश्किल है स्प्लिट लेक तक। स्प्लिट लेक के बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, रात को भी चले जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। अभी इसको बताना पड़ेगा भाई कि तेरा मसला नहीं है।
this man helping me. Oh yeah. Why the snow? Oh, pendiyan tarpala. Utto snow pai aave. Bhai ji, lot of snow pad gayi. Tyre maine ada diya. बस अभी थोड़े से कॉर्नर लगाने हैं, वो वाला कॉर्नर तीखा है, आगे वाले कॉर्नर। कैसा लग रहा है ये वाला ट्रिप कमेंट सेक्शन में बता दो। ये दूसरा ट्रिप शुरू कर दिया हमने, अभी तो पिक्का लोड करना है ऊपर जाके पहाड़ी पे। इट्स गोइंग डाउन। बहुत ज्यादा स्नो है भाई यहाँ पे। मैंने ये वाला टायर भी नीचे उतारा है, हवा निकाली हुई है। बोलता है कि रैंप नहीं रखना, पिक्का ऐसे ही लोड करना है। मैं बोला भाई देख ले तेरी मर्जी है, जैसे भी करना कर दे। अंधेरा हो ही गया भाई, रात को ड्राइव करनी पड़ेगी। निकलना इसको, सिर्फ चार बेल्टें मारनी है अगर ये ऊपर लोड हो गया तो। भाई पिक्का लोड हो गया। पर जिस दिन लोड बांधना होता है ना, वहां पे आप ड्राइवर की एनर्जी, ड्राइवर खत्म हो जाता है। बस हो गई, पूरा अंधेरा हो गया। स्नो बोल दिया कि मैं ही मैं हूं। हम भी बाबा जी का ओटासरा लेके निकले हुए हैं भाई, हार तो नहीं मानेंगे। ये पूरी गीली हो गई, पूरी गीली स्नो, एक मिनट भी बंद नहीं हुई। ड्राइवर की बस हो जाती। ओए होए होए होए, टेम्परेचर -22-23 फील आई, ठंडी हवा चीरती हुई आ रही है। हवा ही बहुत तेज है यार, लेट्स गो। ये वाला ट्रिप ना याद रहेगा, मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो गया। एक बार ना मेन रोड के ऊपर निकल जाते हैं, 4x4 मैंने ऑन किया हुआ इसका। यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा, ये देखो नीचे, देखो लगी नहीं रहा कि नीचे कभी रोड था। अंधेरा तो भाई अभी हो ही गया है। खाना खाने का भी टाइम नहीं लगा सुबह से, अभी फ्रूट का डब्बा निकाल के साथ रख लेता हूँ, जूस है। अपने को ये ग्रेवल रोड निकलना है, अभी तो 4:45 हुए, बस 3-4 घंटे लगेंगे। लॉग बुक अपने पास है बहुत। ओ जिंदगी दा जंग नामा फिरे लिखदा, टायरों की जो निशान दिख रहे हैं ना, बस उसी के हिसाब से बस चलते जाना है, चलते जाना, क्योंकि आसपास देखो तय कितनी मोटी लगी हुई है स्नो की। यही सबसे मुश्किल काम है अभी रात को, कि आगे से कोई आएगा तो उसको आराम से स्लो करके निकल जाने का। भाई जा आराम से जा, क्योंकि सिर्फ ना एक ही गाड़ी के जाने के लिए जगह है। अभी भी स्नो पड़ रही है पीछे, अभी जाके खत्म हुई है। अभी अभी कुछ मालूम नहीं आगे क्या बनना है, लेकिन एक बार हमने स्प्लिट लेक तक कर लिया ना, उसके बाद वाला रोड 150 किलोमीटर वो ग्रेवल रोड बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा खराब है, इसमें हिले भी बहुत बड़ी बड़ी आती है यार। यहाँ पे ना ये स्प्लिट लेक वालों की एक चौंकी आती है ये वाली, तो दो पिक्के भी खड़े, थोड़ा आसरा हो जाएगा। और मैं तो टेंशन मेरे को पिक्के की बड़ी हुई ये वाले की भाई टिका हुआ है। देखा ये वाली चेन जो है ना वो ढीली हो गई। मेरे को था कि बस यही एक स्टॉप आएगा, यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ, अपना लो लाड चेक कर सकता हूँ। देखो चेन ढीली है, तो टेंशन का मुद्दा था ये। यहाँ तक ना थोड़ी चहल पहल रहती है, काले वाले दोस्त का कुछ मालूम नहीं होता। देखा मेरे काम, जाने के टाइम में मेरे पास लोड बार थी, अभी लोड बार कहाँ है। ये भी नुकसान होने वाला था, क्या बनेगा मेरा। इसी का नाम जिंदगी है भाई।
इसको ही हम विंटर बोलते हैं। आपको याद होगा जब हम पिछली बार फेरी लेके निकले थे तो यहाँ पे चेक पोस्ट पे अपने को पूछा गया था ना कहाँ जाना है, क्या हिसाब किताब है। विकास सिर्फ आगे वाली दो स्ट्रैपों के ऊपर खड़ा था, अभी चेन तो ढीली होगी, ब्रेक मारते थे ना तो पीछे स्नो उड़ रही है, उसका बरोला बनता है तो बरोले के ऊपर ना उसका शीशा दिखता है साइड वाला, तो बस वही साइड मेरे से देखता आ रहा हूँ कि पिका है पिका है। बस ये वाला स्टॉप साइन ना देखने को बड़ा दिल कर रहा था कि भाई ये वाला स्टॉप साइन कहीं दिख जाए ना तो जिंदगी बन जाए। तो ये लोग, कच्चा रोड समाप्त हो गया, यहाँ से क्रेजी लैंड समाप्त हो गई और हमने लगा लिया इंडिकेटर लेफ्ट साइड का। वो सामने देखो क्या लिखा हुआ है, 280 जो है ना वो एंड हो गया और 391 चालू हो गया। पक्का रोड, वाह वाह, शुगर है शुगर है। मैंने स्पीड स्लो की है। मैंने यहाँ पे एक चीज बोलनी है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबादा पला। जो हम चढ़दी कला बोलते ना, चढ़दी कला जो लफ्ज है वो इस चीज से निकला हुआ है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबादा पला। ये पंजाबी की गुरमारी जो है ना उसकी एक लाइन है, उसकी एक तुक है। इससे क्या होता है कि इससे एनर्जी बढ़ती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि भी मैं जब बाहर आके निकलूंगा तो मेरे को सम्मानित करने के लिए यहाँ पे 5-7 बंदे आएंगे, नहीं। क्योंकि ये काम जो है ना, ऐसा काम नहीं कि जो मैं अकेला ही करके आया हूँ, बहुत दुनिया ने किया हुआ है और बहुत दुनिया डेली बेस के ऊपर करती है। इतनी खुशी है कि हमने ये किया और नई चीजें देखी और नई चीजें सीखी। ये थॉम्पसन वाला एयरपोर्ट है, मेरा तो दिल कर रहा है कि यहाँ से फ्लाइट पकड़ूं और सीधा विनीपेग चला जाऊं। ये लो अपना प्लेन भी आ गया विनीपेग जाने वाला। थॉम्पसन टाउन को हर बार ऐसे ही बाय बाय बोलना पड़ता है भाई, मौका ही नहीं मिल रहा यहाँ पे रुकने का। आज असली विंटर है जो मैंने देखी इस साल की, -25-27 फील लाइक। पिके पिके तेरा क्या हाल है पिके? ओ जस ओए, चेन गुड है। अपने पास 3-4 घंटे की लॉग बुक है, हम चले जाएंगे आगे। कल यहाँ पे कोई भी नहीं था, आज देखो ट्रकों की रौनकें लगी हुई है। देखो ये थॉम्पसन का वेदर है, -15 फील है, -25। आपको क्या लगता है काम खत्म हो गया? नहीं नहीं भाई, अभी जो सारा दिन किया वो तो करके आए ही आए, अभी जो सारा दिन शूट किया उसको संभालने का टाइम है। अभी लगेंगे 1.5 घंटा और सारा डाटा ट्रांसफर करने में, पर आप हिसाब लगाओ कल भी कितना बिजी था, आज भी बिजी हूँ, तो कब एडिटिंग करूंगा, कैसे मैनेज होगा भाई, क्या करूंगा मैं अकेला बंदा, क्या करूंगा। बहुत बड़ी एक टीम बनानी पड़ेगी, एक ही बंदे की मेरी। लॉग बुक होगी अपनी खत्म, यहाँ पे इस लॉग को एंड करते हैं, काफी लंबा हो गया। लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया। मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड में, क्योंकि हम विनीपेग से अभी तकरीबन 350 किलोमीटर पीछे हैं, लेकिन ये लोड जा रहा है मॉन्ट्रियल, तो मैंने कंपनी को बोला कि भाई ये लोड मैं ही मॉन्ट्रियल लेके जाऊंगा क्योंकि मैंने मॉन्ट्रियल जाना है बस। तो विनीपेग में रुकेंगे नहीं रुकेंगे ये कल वाले व्लॉग में मालूम पड़ेगा, फिलहाल शायद सीधा निकल जाऊँ कुछ मालूम नहीं, कमेंट सेक्शन में आपने बता ही दिया होगा क्योंकि ये व्लॉग तो काफी लंबा हो गया। मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड में, टिल देन अपना और अपने वाले का ख्याल रखो, रब रखा। अभी मैंने तसल्ली से ना 2-3 रोटियां खानी आज, क्योंकि मैंने सुबह से रैप खाया 7 बजे का और अभी टाइम पता कितना हुआ है, 12:46 हो गए। 9 बजे से पहले अपनी लॉग बुक नहीं चलनी, ये भी अच्छी बात है। अगर लॉग बुक पहले चल जाती तो मैंने 7-8 बजे निकल जाना था उठ के, लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाई होती। कभी कभी अच्छी लगती है, कभी कभी बुरी भी लगती है। रब रखा, देख लो मैंने फिर आज टाइम निकाल ही लिया खाना खाने के लिए। ये देखो रोटियां गर्म हो गई, पूतने की चटनी, दही, अंडे की बुर्जी और ये आज गोभी साथ में। आज इस बार सब्जियां बहुत लेके आए, मैंने 3-4 सब्जियां बनवाई है। मैंने बोला भाई बदल बदल के खानी, बदल बदल के। अभी ना विंटर का मौसम हो गया तो अपने पास स्टॉक ज्यादा रखना पड़ता है, कहीं रास्ते में रुकना वुकना पड़ गया तो कभी कभी ना एक ही सब्जी होती खाने को दिल लेके रहते, 3-4 वैरायटियां बना के लेके आए। See us coming like left, right, left, right, oh.